कैलेंडर में माध्य और योग भाग दो मीन एंड सम इन अ कैलेंडर पार्ट टू। इस वीडियो में हम कैलेंडर में माध्य यानी मीन और योग यानी सम के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले दिन एपी और फ्रूटी एक दूसरे से वापस से मिलते हैं। तब फ्रूटी कहता है, एपी, मैं आज फिर से पहेलियों को हल करने के लिए यहाँ आया हूँ। तब एपी कहता है, बहुत अच्छा, लेकिन फ्रूटी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर केवल एक मिनट में देना है। तो बोलो, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? इतना सुनकर जवाब में फ्रूटी बोलता है, हाँ। तो एपी कहता है, ठीक है, तो पहेली कुछ इस प्रकार है। मैं वर्ष 2021 के मई महीने का एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस हूँ। मैं 9 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख पर समाप्त होता हूँ। तो मैं कौन सा अनुक्रम हूँ और मेरा योग यानी सम क्या है? बच्चों, क्या आप फ्रूटी की सहायता करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, तो आप इस वीडियो को रोककर पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी तरह फ्रूटी भी पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहता है, अनुक्रम यह पंक्ति यानी रो है और इन सभी संख्याओं का जोड़ अर्थात योग 84 है। इतना सुनते ही एपी कहता है, अरे वाह, बिल्कुल सही, लेकिन तुमने इतनी जल्दी उत्तर कैसे दे दिया? तब फ्रूटी कहता है, वर्ष 2021 के मई महीने का अनुक्रम जो 9 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख पर समाप्त होता है, वो ये पंक्ति है। यहाँ 12 पंक्ति की मध्य संख्या यानी मिडिल नंबर है, इसलिए पंक्ति का माध्य यानी मीन 12 है। इसलिए मैंने 12 का गुणन पंक्ति में कुल पदों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म से किया जो कि 7 है और मुझे उत्तर प्राप्त हुआ 84। इतना सुनकर तभी एपी कहता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो चलो अब देखते हैं कि क्या तुम इस पहेली का उत्तर भी दे पाते हो या नहीं। मैं वर्ष 2021 के जनवरी महीने के मध्य स्तंभवार अनुक्रम यानी मिडिल कॉलम वाइज सीक्वेंस का योग हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब फ्रूटी सोचने लगता है और एक मिनट के भीतर वो बोलता है, छठ। इतना सुनते ही तभी एपी कहता है, अरे वाह, एकदम सही, लेकिन यहाँ यह अनुक्रम वर्ष 2021 के जनवरी महीने का मध्य स्तंभवार अनुक्रम है। इस अनुक्रम में कोई मध्य पद यानी मिडिल टर्म नहीं है। तो तुमने इतनी जल्दी इसके योग की गणना कैसे कर ली? तो जवाब में फ्रूटी कहता है,
यहाँ मैंने अनुक्रम की पहली और आखिरी संख्याओं का जोड़ किया और मुझे मिला 33। अब यहाँ पदों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 4 और इसका आधा यानी हाफ है 2। इसलिए मैंने योग 33 को पदों की कुल संख्या का आधा यानी 2 से गुणा किया और इस तरह मुझे अनुक्रम का योग मिल गया। और हाँ एपी, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ हम इस तरह समान रूप से रखी गई संख्याओं यानी इक्वली प्लेस्ड नंबर्स को जोड़कर भी अनुक्रम का योग ज्ञात कर सकते हैं। ये सुनते ही तभी एपी कहता है, अरे वाह शानदार फ्रूटी, वाकई तुम बहुत होशियार हो। इतना सुनकर तभी फ्रूटी खुश होकर कहता है, शुक्रिया एपी। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं।